वेलकम टू जीके लैंड दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 5 से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की हम लिस्ट पढ़ेंगे और फिर इसी पे आधारित कुछ सवालों को देखेंगे तो फिर कुछ प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे से प्रश्न उत्तर बन सकते हैं, बनने वाले प्रश्न। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे मध्य प्रदेश MP हाईकोर्ट के, वो थे एम हिदायतुल्ला, ठीक है, 1/11/1956 से 12/12/1958 तक थे। फिर आए हैं GP भूत, फिर आए हैं PV दीक्षित जी, फिर विशंभर दयाल, फिर PK तारे, शिव दयाल श्रीवास्तव जी, AP सेन, GP सिंह। इनके केवल नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके नामों को शफल करके क्वेश्चन बन जाता है। फिर GP सिंह, GL ओझा, JS वर्मा, NB ओझा, GG सुहानी, SK झा, UL भट्ट, AK माथुर, भवानी सिंह। फिर आते हैं कौन, कुमार राजा रत्नम, RV रविंद्रन, AK पटनायक, S रफत आलम, फिर हैं SA बोबड़े, ऐसे बोबड़े के बाद में AM खानविलकर, फिर हेमंत गुप्ता, SK सेठ, अजय कुमार मित्तल, मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक कब से कब तक थे, 3/1/2021 से 14/10/2021 तक। फिर करेंट में जो अभी कौन है, तो न्यायमूर्ति रवि मालिमत हैं, 14/10/2021 को बने थे ये। और कब तक इनका कार्यकाल रहेगा तो वो बता दिया जाता है पहले ही, वो है 24/5/2024 तक इनका कार्यकाल है। अब कैसा क्वेश्चन बना था, तो PSC में 25 जुलाई 2021 को प्री में यह क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं। अब ये क्वेश्चन समझ में आए इस भाषा में पढ़ते हैं, जैसे कि MP हाई कोर्ट में MP हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में से इनमें से कौन है जो सुप्रीम कोर्ट में भी कभी जज रहे थे, ठीक है। तो न्यायमूर्ति AK पटनायक, न्यायमूर्ति RV रविंद्रन, न्यायमूर्ति SK झा और न्यायमूर्ति AK माथुर। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज रहे हैं और MP हाई कोर्ट के ऐसे कितने चीफ जस्टिस थे जो कि सुप्रीम कोर्ट में कभी जज रहे या फिर नहीं रहे। तो इसका इजी वे है, आपको पूरी सुप्रीम कोर्ट के जज की लिस्ट नहीं याद करनी पड़ेगी, तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है, जैसे कि MP हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे, है ना, वो कौन कौन थे, तो AP सेन थे, GL ओझा जी और AK माथुर, RV रविंद्रन, AK पटनायक। इन्हीं नामों को शफल कर करके कम से कम 18 क्वेश्चन बनते हैं। मैंने वो सारे क्वेश्चन बनाए हैं और आपको उनके आंसर करने हैं। बस इतना याद कर लो कि ये वो 5 लोग हैं जो कि MP हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं, रह चुके हैं, और साथ ही साथ ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे। AP सेन, GL ओझा, AK माथुर, RV रविंद्रन, AK पटनायक। 4 ऑप्शंस में जहां भी 3 ये नाम दिखे और एक अलग नाम दिखे तो समझ जाना कि भैया वो आदमी सुप्रीम कोर्ट में कभी जज नहीं था, तो ये 3 थे, ऐसा है ना। या फिर आपको ये नाम आने चाहिए याद, या तो ये 5 याद कर लो या तो ये नाम, कौन कौन से MP हाई कोर्ट के ऐसे मुख्य न्यायाधीश, ऐसे चीफ जस्टिस जो कभी भी सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं रहे, जो कि प्रश्न बनता है, है ना। तो कौन नहीं रहे, अपने को पूछा कौन था, अपने को SK झा, अपने को SK झा पूछ लिया था, है ना। कौन कौन बने हैं, लेकिन AP सेन बन चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज थे, और GL ओझा, और अपने RV रविंद्रन, AK माथुर और AK पटनायक, इतने लोग थे। अब कौन कौन नहीं थे, तो M हिदायतुल्ला कभी सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं रहे, केवल MP के चीफ जस्टिस हैं और वह केवल सुप्रीम कोर्ट में कभी जज नहीं रहे, वो नाम है GP भूट, M हिदायतुल्ला, PV दीक्षित, विशंभर दयाल, PK तारे, शिव दयाल श्रीवास्तव, GP सिंह, JS वर्मा, वो 5 को छोड़ दो, बाकी पूरी लिस्ट है ना। NDO झा, GG सुहानी, SK झा जो कि अपने को पूछा गया था, UL भट्ट, भवानी सिंह, कुमार राजा रत्नम, S रफत आलम, SA बोबड़े, AM खानविलकर, हेमंत गुप्ता, SK सेठ, अजय कुमार मित्तल, मोहम्मद रफीक, रवि मालिमत। अब अपन अपना क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन पेपर था और इसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था कि MP मतलब कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं, और अपने को ये 4 ऑप्शन दिए थे, न्यायमूर्ति AK पटनायक, RV रविंद्रन, SK झा और AK माथुर। अब वो ऐसा कर सकता है, बार बार सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, मतलब सेम क्वेश्चन पूछ सकता है लेकिन इसके ऑप्शन शफल कर देगा, तो SK झा की जगह वो कुछ और दे सकता है, बाकी ये 3 नाम सेम रहेंगे और 2 और लोग थे जो कि थे, है ना। तो अपन वैसे संभावना वाले प्रश्न उत्तर देख लेते हैं।
अब अपना क्या टॉपिक स्टार्ट होता है, बनने वाले प्रश्न की, जो प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। जैसे कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं, है ना? तो एम हिदायतुल्ला, जीपी कौन, जीपी भूट, पीवी दीक्षित, एपी सेन। तो इसका आपको आंसर देना है। इसमें क्या पूछा है, मतलब कि एमपी हाई कोर्ट के ऐसे चीफ जस्टिस का नाम बताना है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं, तो वो है हमारे ये एपी सेन। ठीक है, एपी सेन करेक्ट आंसर होगा। और ये वो थे जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं। बाकी जो एम हिदायतुल्ला, जीपी भूर और पीवी दीक्षित, ये तीन वो लोग हैं जो अपने एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो हैं, रह चुके हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में काम नहीं किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, क्या कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं पूछ रहा है। तो जीएल ओझा ऐसे थे जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज थे। ठीक है, तो जीएल ओझा इसका सही आंसर हो जाएगा। विशंभर दयाल, पीके तारे और शिवदयाल श्रीवास्तव कभी भी सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में काम नहीं किया, अपने एमपी के ये चीफ जस्टिस हैं, रह चुके हैं। फिर आता है एक क्वेश्चन, क्या कि एमपी हाई कोर्ट के ऐसे न्यायमूर्ति का नाम बताओ जो कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नहीं रहे। यहाँ क्या पूछ रहा, यहाँ पे पूछा है नहीं शब्द, तो हम बताएंगे वो नाम जो कि कभी सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं रहे। जैसे एपी सेन ये थे अपने जज सुप्रीम कोर्ट में, जीएल ओझा भी थे, एके माथुर भी थे, लेकिन ये एनडी ओझा जो हैं ये अपने जज नहीं थे कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जीएल ओझा, एपी सेन, एके माथुर, ये तीन अपने सुप्रीम कोर्ट में जज थे, प्लस एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे। तो अब इस ऐसे पैटर्न पे क्या करना है अपने को, ये क्वेश्चन केवल और केवल नाम याद करवाने के लिए हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, ऑप्शंस चेंज होते जाएंगे इसके। ठीक है, इससे आप अपने आप को जांच सकते हो कि भैया हमें सारे नाम याद हो गए कि नहीं, और अगर कोई कैसा भी घुमा के पूछ ले तो भैया हम एक नंबर तो ले आएंगे कम से कम। एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में से कौन सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नहीं रहे। ठीक है, तो अपने एके पटनायक तो थे, एपी सेन भी थे, जीएल ओझा भी थे, ये जो अपने सेठ है ना, ये एसके सेठ, ये नहीं रहे। ठीक है, कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जज। फिर आता है सेम क्वेश्चन, मध्य प्रदेश एमपी हाई कोर्ट के ऐसे चीफ जस्टिस जो कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नहीं रहे, तो अपने आर वी रविंद्रन भी थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जज, एमपी हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस थे और सुप्रीम कोर्ट में जज भी थे, आर वी रविंद्रन, ए के माथुर, ए पी सेन। कुछ नाम ऐसे हैं, पाँच ही नाम है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज थे एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में से। तो पाँच नाम आप इतने अच्छे से याद कर लो कि वो कहीं भी घुमा के कितना भी दे दे बन जाए। और जी पी सेन तो कभी नहीं सुना अपने सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हो और एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हो, तो जीपी से केवल एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं थे, बाकी तीन थे। सेम क्वेश्चन, ऑप्शन चेंज हो गए हैं, तो इसमें जीएल ओझा, भैया ओझा तो थे, एके पटनायक वो भी थे, एके माथुर वो भी थे। अच्छा, एके पटनायक, एके माथुर, ये तो हमेशा याद रख लो कि ये दो तो सुप्रीम कोर्ट में जज थे ही थे, एमपी हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस थे और सुप्रीम कोर्ट में जज भी थे। लेकिन जो वर्मा जी हैं ये नहीं थे, जे एस वर्मा, ये अपने केवल एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं थे। सेम क्वेश्चन, ऑप्शंस चेंज हो गए, क्या एपी सेन, हाँ एपी सेन थे, आर वी रविंद्रन ये भी थे, एके पटनायक ये तो बिल्कुल थे, जीजी सुहानी ये तो बिल्कुल नहीं थे। तो इसका आंसर होगा जीजी सुहानी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं थे और एमपी के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। फिर सेम क्वेश्चन, ऑप्शंस चेंज हो गए, तो ए के माथुर, माथुर साहब तो थे, ओझा, जीएल ओझा, जीएल ओझा भी थे, एपी सेन, एपी सेन भी थे, और यूएल भट्ट नहीं है, भट्ट नहीं थे अपने सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं थे। ठीक है, फिर सेम क्वेश्चन, इसका आंसर क्या, ऑप्शंस क्या है, ए के पटनायक, हाँ पटनायक थे, ए के माथुर, ए के पटनायक, ए के माथुर ये तो थे ही थे, रविंद्रन भी थे, है ना, इतनी बार इनके नाम सुने, पाँच ही लोग तो हैं जो थे तो याद हो गए, और लेकिन भवानी से का नाम तो नहीं सुना भाई, तो भवानी से नहीं थे। फिर ऐसे ही सेम क्वेश्चन, लेकिन इसमें ऑप्शन चेंज किया कि एपी सेन हाँ थे, जीएल ओझा बिल्कुल थे, रविंद्रन ये भी थे, राजा रत्नम ये तो बिल्कुल नहीं थे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर सेम क्वेश्चन और इसका आंसर देखते हैं क्या है, तो आर वी रविंद्रन, रविंद्रन थे, ए के पटनायक थे, जीएल ओझा थे, एस रफत आलम नहीं थे। ठीक है,